हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड में एक और करप्शन का खुलासा हुआ है। मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ मिला है, सोच सकते हैं। चलो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ये झारखंड का रवैया है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि मंत्री जो उस पार्टी से बिलोंग करता है वही पार्टी के लोग चोर है। नहीं, सब नेता जितने भी पार्टी में पैदा हुए हैं सब लोग यही काम कर रहा है। ठीक है, बात यही है कि अभी उनके पार्टी पावर में तो विपक्ष लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी इन लोग पावर में कभी आएगा लाइफ में तो उसके विपक्ष में पकड़े जाएंगे। पैसा तो हर कोई कलेक्शन कर रहा है, गरीब का पैसा जो होता है झारखंड में, गरीबों का जो पैसा, हक का पैसा होता है, ये नेता मंत्री लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं। आप भी जान रहे हैं और हम लोग भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार क्या है इसका अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा, और जेएसएससी और जेपीएससी का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी जबरदस्त तरीके से करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। मंत्री आलमगीर आलम के पीए जो होता है संजीव के घर से मिले 25 करोड़ रुपया। हालांकि उस पीए के घर में कोई बोल रहा है पीए घर में नौकर के यहाँ पैसा मिला, 25 करोड़ रुपया कैश मिला। ईडी ने करवाई जारी रखा है, ये 6 मई का है, रिपोर्ट देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और ये पैसा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोमवार के सुबह राजधानी के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कि सेल सिटी में आरसीडी के इंजीनियर विकास सुकुमार और बरियातु में कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा खबर आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार के ठिकानों से नगद राशि मिले। ठीक है, ये उसको पीएम मिला, मतलब पैसा मंत्री जी का ही होगा, किसका होगा भाई। ठीक है, हालांकि नगद मिलने की पुष्टि ये जो ये डाला हुआ जो पुष्टि नहीं कर रहा है, हालांकि जाँच चल रहा है। और जाँच ने देखिए बात अभी पुष्टि लिखने का लिख देता है एक लाइन कि पुष्टि नहीं करें, लेकिन पुष्टि वही होता है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर बिरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। खैर जो भी है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों किस तरह के लोग, मतलब गरीबों का हक मार के कैसे पैसा खाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसमें बहुत बड़ा लंबा चर्चा होगा, और ये सब बात याद रखिए कि सब चीज़ बाद में दब भी जाता है। ये बहुत ये छोटा मोटा चीज़ लगता है, ये हम लोग के लिए लगता है कि बाप रे 25 करोड़ रुपया, हम लोग लगता है बहुत बड़ा करप्शन है, लेकिन उन लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, चलेगा 5 दिन 10 दिन चलेगा न्यूज़ में, फिर ऑटोमेटिक अभी बंद हो जाएगा, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। ऐसे ही चलता रही, हर नेता के साथ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, गरीबों का क्यों इन लोग एग्जाम लेगा करवाएगा। ये तो कि दोस्तों आपको कुछ दिन पहले बताया, जब पेपर लीक हुआ तो उसने कुछ बताया था, 2-3 नेता का नाम बता रहे थे आपको, हालांकि नाम नहीं लिए थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा आने लगा है। ठीक है, बू आने लगा है तो आप लोग समझ सकते हैं, हिंट थोड़ा दे दिए। ठीक है, ऐसे 2-3 नाम है, खैर जो भी है उस समय आने के बाद पता चलेगा क्या क्या होता है। ये गलत नहीं है, ठीक है, लोगों जो इन्फॉर्मेशन जो देता है गलत नहीं देता है। ठीक है, पैसा देखिए इन लोग कहीं से भी कमाता है इन लोग, एक तो इन लोग एग्ज़ाम लेता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम लेता भी है तो इन लोग पैसा देके, मतलब बेच के भी इन लोग पैसा कमा लेता है। देखिए जो एजेंसी जो पेपर लीक करता है, जो भी पेपर लीक करता है, उन लोग को ताकत कहाँ से मिलता है? यही मंत्री लोग से ताकत मिलता है। ठीक है, ये अपने बेटे को आगे कर देगा, या फिर अपने भतीजे को आगे कर देगा, फिर रिश्तेदारी में किसी को भी आएगा, सामने से नहीं रहता है, किसी को इन लोग आगे कर देता है। ठीक है, कर देता है, जितना लूटना लूटो, बाकी जो हम लोग देख लेंगे। ऐसे काम इन लोग करता है, ये हकीकत है दोस्तों, आप भी समझ रहे इस बात को। ठीक है, एग्जाम के टाइम ही बता रखे थे, 2-4 नाम बताए थे, बोले थे हैं ऐसे ऐसे जो कि लड़कों लोग के दिमाग जो लड़कों लोग के थ्रू उनको बोला गया, और जो वाकई में बात सही है, हम भी सुने थे उस उन लोगों के बारे में, तो कुछ खबर आने शुरू हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों ये पैसा किन का है, 25 करोड़ रुपया, सोच सकते हैं कैसे रखता दोस्तों, कैसे देखे कैसे फेंका हुआ घर में से। यहाँ आदमी 10-10, 20-20 रुपये के लोग मर रहे हैं, गरीब इस गर्मी में गरीब लोग, और यहाँ देखिए क्या होता है, ये सब गरीब का ही पैसा है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, भगवान इन लोग को जो करता है इस तरह काम उसका आत्मा को कम से कम शांति दे, और क्या ही बोल सकते हैं, कर लो जितना करना है एंजॉय। ठीक है, बार बार एक ही बात बोलते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, करो जितना होना चाहिए उतना कीजिए, लेकिन किसी को सता के इस टाइप का काम करना कहीं ना कहीं गलती है। अब देखिए, मान लीजिए इस बात में खबर सही बात है, आलमगीर आलम बात ये बात सही है मान लेते हैं, तो सोचिए ना इतना 25 करोड़ रुपये कैश है, यही काम अभी एग्ज़ाम अगर आप लोग करवा देते सही ढंग से ले लेते हैं, तो अभी बच्चे लोग कितना नाम लिए रहते हैं आपको, कितने गरीब बच्चे लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हैं हर एग्ज़ाम यही। अभी देखिए पहले जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में देखिए कैसे मामला पकड़ा गया है, कुछ नहीं लिखा है, डीएसपी वीडियो बन चुका है। ठीक है, दुर्गा पूजा पर ऐसे लिख के आ गया, डीएसपी वीडियो बन चुका है, कुछ नहीं आता दोस्तों। अभी कितना 10-15 साल 15-20 साल नौकरी भी कर लिया, करोड़ों कमा भी गया होगा, अरबों कमाया होगा। ठीक है, तो कमाएगा ही भाई, पैसा दे के जाएगा तो पैसा लूटने की कोशिश तो करेगा ना। अरे उन लोग का पावर जो करता है यही लोग काम करवाता है। ठीक है, नेता मंत्री लोग करवाता है सब चीज़। खैर चलिए, जो भी ज़्यादा लंबा बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम है जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है दोस्तों। ठीक है, इन लोग करता है इस तरह काम कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता आम जनता, लेकिन जो
आम जनता की जो डिमांड है कम से वो तो फुलफिल कर दीजिए कम से कम। एग्ज़ाम तो करवा लिए रहते, जेई एग्ज़ाम, नगर पालिका एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम, कितने कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, क्या पता वही लोग तो पैसा तो नहीं है, कौन जान रहा है। जाँच करना चाहिए ईडी को, बहुत अच्छा तरीका जाँच करना चाहिए, इसको पब्लिक भी करना चाहिए कि कहाँ से पैसा ऐसा आया हुआ है, ताकि लोगों को लगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, ठीक है। और इस सरकार में खास करके जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में मामला ही गड़बड़ाया, ठीक है, जेपीएससी हो चाहे जेपीएससी एई हो चाहे और भी एग्ज़ाम हो, सब में मामला गड़बड़ हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर, जो भी दोस्तों अब जो भी होगा जैसा भी अपडेट आएगा बताएंगे आपको। बाकी ये खबर निकल के आ रही है 25 करोड़ रुपये कैश मिला है मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ, बात हो रहा है नौकर के यहाँ, इतना इतना पैसा कहाँ से आएगा, सीधा सीधे लिंक जाता है मंत्री जी पे जाएगा। खैर इसे जांच का विषय है, जैसे जांच का विषय कुछ आएगा, लेकिन ये सब बात भी छुप जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छुपता है, बहुत बड़े मैटर नहीं है ये सब, उन लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैटर लगता है ये सब, ठीक है दोस्तों। खैर जो भी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी है मुद्दा तो उठाएंगे भाई, खास करके विधानसभा चुनाव तो मुद्दा उठाएंगे, अच्छा खासा उठाएंगे, ठीक है, नेताओं का खास करके। यदि एग्ज़ाम 4-5 एग्ज़ाम नहीं लिया अक्टूबर नवंबर तक, लाखों में नियुक्ति नहीं दिया मान लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में हर मुद्दा को उठाया जाएगा, चाहे जो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा उठाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन नेताओं जो इन लोग का हरामखोरी जो काम कर रहा है वो आगे बढ़ने देंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। बात उठाएंगे विधानसभा चुनाव खास करके, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आपका होगा, अब जैसे होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।